कर रहा हूँ, जब ट्रॉफी मिली तब एक्चुअली बिलीव नहीं हुआ कि एक्चुअली मैं जीत गया हूँ। जब सर ने अनाउंस किया तो भी मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं एक्चुअली जीत गया हूँ, बट इट फील्स ग्रेट, इट फील्स वेरी नाइस कि आई हैव वन। ये दो फोबिया था, और हाइट मुझे बचपन से फोबिया था, एंड वाटर धीरे धीरे रियलाइज कि कब फोबिया बन गया पता ही नहीं, बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती है। सो वैसा करना तो है, आया हूँ शो में, तो द रीजन आई एम देयर इज बिकॉज आई वांट टू चैलेंज माय सेल्फ। तो सर कभी ऐसा वो नहीं करते थे कि स्टंट में कर दिया, उस स्टंट में कर दिया, हर स्टंट में ही वांटेड कि हर कंटेस्टेंट अपना 100% दे और स्टंट कंप्लीट करे, बिकॉज इतनी मेहनत जाती है स्टंट बनाने में, और स्टंट को अगर हम ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। एंड देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीइंग इन द शो अगर आप पूरा स्टंट भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो, और यू नो एक आपको सेल्फ अकम्पलिशमेंट नहीं मिलता है, अकम्पलिशमेंट नहीं मिलता है जब आप नहीं करते हो, तो वो चाहते हैं कि वो आप फील करो। सो सर का वैसा रहता है कि He wants you to feel that. मेरे माइंड में ये अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब खतरों के खिलाड़ी जो अपॉर्चुनिटी वो हर किसी को मिलता नहीं, सो व्हाई नॉट टेक इट। एंड मैंने कभी एडवेंचर एक्टिविटीज ज़्यादा ऐसे की नहीं है, तो मेरा ऐसा था कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेट्स ट्राई टू डू इट एंड मज़ा आएगा, बाहर स्पेन है, स्पेन में घूमने भी मिलेगा तो क्यों नहीं करते हैं। एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड आई वॉन्ट टू चैलेंज माई फोबियाज एंड ओवरकम माई फोबियाज। मैंने कभी एडवेंचर एक्टिविटीज ज़्यादा ऐसे की नहीं है, तो मेरा ऐसा था कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेट्स ट्राई टू डू इट एंड मज़ा आएगा, बाहर स्पेन है, स्पेन में घूमने भी मिलेगा तो क्यों नहीं करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड आई वॉन्ट टू चैलेंज माई फोबिया। डेंजरस एज यू सेड, ये सारे स्टंट्स ही डेंजरस थे। मेरे को सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो था वो मेरा चिकन वाला जो स्टंट था, वो मेरा आई टू रोटेट, वो मुझे बहुत गंदा, बहुत ही ग्रोस कर रहा था, बिकॉज मेरे को वो स्टंट करने के बाद वो दो हफ्ते, एक तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और दो हफ्ते तक मुझे अचानक चिकन का वो मतलब फील होता था कि चिकन अभी तो खाया नहीं, बट वाई मेरे मुँह के अंदर वो क्यों फील हो रहा है। सो ऐसा था, वो मेरे को लगता है बहुत ही गंदा। थोड़ी बहुत हुई है, बट अदरवाइज मैं किसी को ऐसे प्रॉपरली नहीं जानता था। निया एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द सेम प्रोडक्शन हाउस सिनेवेस्टास, बट कभी भी हमने हाय हेलो हमारा कभी कुछ नहीं हुआ। सो मेरे लिए कंप्लीट नए लोग ही थे, एंड उनके साथ इंटरेक्शन मुझे बहुत मजा आया, एंड इट वेंट प्रीटी वेल। अब हम लोग अच्छे खासे फ्रेंड्स बन गए हैं। सो सारे बॉयज, मनीर भाई, ऋतिक भाई, रवि भाई, करण भाई, लोग सब बहुत ही मस्त लोग हैं। इवन लड़कियों में मेरी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मोनिका शिवानी ने,
मैं उनका भी एक्सपेक्ट करूंगा, तो खुद अपने बारे में सोच रहा था कि मैं आ गया फाइनल में क्या बात है, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगा। सो फॉर मी इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट थॉट कि मैं कहाँ से आ गया फाइनल। मैं थोड़ी टैगलाइन देता हूँ, वो लोग देते हैं, आप लोग फॉलो करते हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आई एम स्टिल द पर्सन हु आई वाज इन झलक, आई एम स्टिल द पर्सन हु आई एम, हु आई एम। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता था सर के बारे में, अपार्ट फ्रॉम मतलब सर डायरेक्टर हैं, गोलमाल के हैं, सिंगम विंगम सर ने डायरेक्ट किए हैं, चेन्नई एक्सप्रेस व्हाटएवर, सो वो सारी चीज़ें तो मुझे पता थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर कितने साल से काम कर रहे हैं, सर का बैकग्राउंड क्या क्या है, सर ने खुद इतने स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था, तो वो जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जैसे सर है वो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर करते हैं कि बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर एंड बी। मोमेंट ही नहीं है, मतलब हर मोमेंट इट वॉज वेरी स्पेशल आफ्टर एवरी स्टंट दैट आई हैव परफॉर्म्ड। Obviously, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मेरा ऐसा था कि ओके आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा मोमेंट, बट द होल जर्नी भी जो है वो बहुत बहुत अच्छी रही एंड बहुत मज़ेदार रही है। तो मेरे को हर किसी का दिन होता है, हर किसी को परफॉर्मेंस, कोई स्टंट बेटर परफॉर्म करता है, कोई नहीं परफॉर्म करता है, ऐसे तो है नहीं कि कोई सारे स्टंट हारते हुए आ रहे हैं। मीन एक स्टंट हार गए उस दिन आपका बुरा दिन होगा, तो इसलिए आप फॉर दैट रीजन आप चले मतलब एलिमिनेट हो जाते हो। सो I think without your love and support, without your prayers, I don't think I would have been able to perform the stunts and win this trophy. And I'm very happy कि मैंने आप लोगों को इस बार कुछ अलग ढंग से मैं entertain किया, and मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। So thank you.